बच्चे अगर वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आज की रेसिपी आप ही के लिए है। तो स्टार्ट करें शुरू, हाँ, बताइए। आज हम बना रहे हैं गोभी मटर कटलेट। तो उसके लिए ये गोभी है, इसको मैंने ग्रेट किया है। रॉ गोभी को हाँ, हमने रो ग्रेट करा गोभी है। को। ओके, तो हाँ कच्ची गोभी को हमने यहाँ पे ग्रेट करा है। तो गोभी, मटर, आलू, प्याज, इसमें हम सब डालेंगे तो बहुत अच्छी और रेसिपी ये है है। बॉइल्ड मटर, थोड़े से, थोड़ा सा प्याज, प्याज ऑप्शनल है, अगर हाँ आप नहीं ऑप्शनल खाते है, तो अवॉइड कर सकते और हैं। थोड़ा सा बॉइल्ड आलू बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, धनिया, इसमें मसालास जाएंगे, सॉल्ट, रेड मिर्ची, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, एंड देन थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड, ब्रेड का मैंने उसको ग्रेट करके रखा है, ग्राइंड कर लिया है पैन इसको ब्राउन कर लिया हमने। है। ओके, सो फ्रेश ब्रेड को ग्राइंड कर लीजिए तो आपके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं शीनू दुग्गल के घर पे हाय। आपको फिर से एक शानदार रेसिपी दिखाने, झटपट स्नैक जो आप बना सकते हैं। स्नैक बना सकते हैं इसको ब्रेड के बीच में रख के, बर्गर भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। हम यहाँ पे गोभी मटर कटलेट्स आपको दिखा रहे हैं। इसको फिर हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के आसपास लेंगे और इसका एक शेप बना देंगे कटलेट की। आपको कोई भी शेप बनाना है बना सकते हैं, टाइम प्रेफर, इसको राउंड बनाओ। देखिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, जैसा है आपके सामने है। गारंटी ये रेसिपी आपकी किचन में भी वैसे ही बनेगी। तो अभी हम यहाँ पे कटलेट्स बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ पे हमने कटलेट्स बना लिए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई हाँ, शैलो करेंगे। फ्राई करेंगे तवे पे। 1 और 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक बार जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, सो वी विल ऐड 30 कटलेट्स। देखिए, एकदम कलरफुल आपके कटलेट्स बनेंगे, खाने में भी मजा आएगा। इसको कौन सी फ्लेम पे हम सेकेंगे? इसको मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल डाल देंगे। तो अभी हम इसको एक साइड से सेकने हाँ, एक देंगे, फिर साइड से हम सेकेंगे। जब एक साइड से हो जाएगा, फिर इसको टर्न करेंगे। तो देखिए 1 मिनट हो गए हैं इसको सिकते हुए। तो अब हम इसको टर्न करेंगे, देखो कितना ब्राउन हो गया है। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है, दिखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसको बीच बीच में प्रेस करते रहिएगा ताकि वो अच्छे से सिक जाए। सबसे खास बात ये है कि इसमें सब्जियां भी हैं तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी सकते हैं आराम से। हाँ, जिनको गोभी पसंद नहीं है वो गोभी गोभी, कॉन्फ्यूजन मटर, हाँ होगा। गोभी मटर सब आप खा सकते हैं। मॉम्स के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और इसको आप टिफिन में भी रख सकते हैं, इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तभी हम इसको दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। देखिए, दूसरी साइड से भी फटाफट सिक जाते हैं देखो ये कटलेट्स। ब्राउन हो गए हैं दोनों तरफ से, तो दीज आर रेडी नाउ। तो अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म गोभी मटर कटलेट्स। आपके लिए गोभी मटर की टिकिया रेडी है, आप इसको आप खा सकते हैं। आप इसके छोले से चाट बना सकते हैं, दही की टिक्की चाट बना सकते हैं, ब्रेड के बीच में बर्गर बना सकते हैं, या फिर इसको चाय के संग कोरा भी खा सकते हैं। सो रेडी हो चुका है शानदार आपके लिए ये स्नैक। अब इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू टू द लवली मॉम है फॉर द थैंक यू। वंडरफुल रेसिपी वंस अगेन। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।